पाखापाखि चारि दशंधि परे मुख्यमंत्री योगी को मिलिबो लगातार द्वितीय टर्म। यूपी राजनैतिक इतिहास रेकर्ड पूर्ण बहुमत सह लगातार सरकार गढ़िबो बीजेपी। 2017 रे विजय मुकुट पिंधिथिबा योगी पुणि थरे 2022 रे सरकार गढ़िबाकु जाउछन्ति। गरीबंकु राशन योगीक शासन स्लोगान पुणि थरे यूपी को गेरुआमय करिछि। 2024 लोकसभा निर्वाचन पूर्वरु सेमी फाइनाल रे बीजेपी रो बड़ जीत। उत्तर प्रदेश रे आरंभ हेबो योगीक 2.0 सरकार। लखनऊ पार्टी ऑफिस रे मोदी योगीक जय जयकार। मैजिक नंबर 202 पार करिबा सह बीजेपी को बहुमत मिलिछि। एथरो बीजेपी को 42% लोकक समर्थन मिलिछि, जहां 2017 रे 40% रहिथिला। वोट प्रतिशत बढ़िथिले भी गत वर्ष तुलना रे सीट कमिछि। तबे बीजेपी रो ए बम्फर जीत रे एसपी बीएसपी कांग्रेस धराशायी। बीजेपी रो ओबीसी वोट नै जिवार दाबी करी समाजवादी पार्टी रे मिसिथिबा स्वामी प्रसाद मौर्य को हार रो मुह देखिबा को पड़िछि। आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन चार राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश सह गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर रे सरकार गढ़िबा को जाउछि बीजेपी। गोवा रे बीजेपी रो वोट प्रतिशत बढ़िछि। एथरो बीजेपी को 33% जन समर्थन मिलिछि, जहां 2017 रे 32.5% रहिथिला। सेपरी एथरो कांग्रेस को 23% वोट मिलिछि। 2017 रे एहा 28.4% रहिथिला। आंटी इनकमेंसी बदल रे एठारे द्वितीय थरो सरकार गढ़िबा को जाउछि बीजेपी। बीजेपी उपरे भरोसा करिथिबारु गोवावासी को धन्यवाद देइछन्ती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। सेपरी मणिपुर रे एथरो सरकार गढ़िब बीजेपी। एथरो 37% लोक बीजेपी सपक्ष रे वोट देइछन्ती। द्वितीय थरो पई एठारे बीजेपी सरकार गढ़िब एक प्रकार निश्चित हेबाकु जाउछि। सेपरी उत्तराखंड विधानसभा निर्वाचन रे 44.4% लोक बीजेपी को समर्थन करिछन्ती। उत्तर प्रदेश में किसी सबने कहा कि 40 वर्षों से दोबारा सरकार नहीं बनी है। जो नोएडा आ गया गया, कई मुख्यमंत्री तो नोएडा आना छोड़ दिए, लेकिन आते रहे। और ये राष्ट्रवाद की जीत है, विकासवाद की जीत है और कामवाद की जीत है। डबल इंजन का सरकार पर देना। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि मेरे पूरे जितने का श्रेय मेरे कार्यकर्ता को जा रहा है, मेरे पार्टी को जा रहा है, जिसके बेस से मैं पूरे ने चाहे वो कम मार्जिन से हो जीत गया है। मुख्यमंत्री एक तरफ हमारे काम है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं और उत्तराखंड की सरकार ने उनको आगे बढ़ाया है, और एक तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। तो आज उत्तराखंड की जनता ने ये स्पष्ट रूप से सबके सामने कर दिया, उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से, आज दो तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने काम करने वाले लोगों को तरजीह दी है। नहीं, हम लोग गवर्नमेंट मिल जाएगा सरकार फैलने को। सर, ये शानदार मैच की कैप्टन आप ही बने रहेंगे ना मणिपुर सरकार के? ये अपने नेशनल लीडर निर्णय ले लेंगे। सेक्रेट जो है ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जी सबसे वही सब सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास एंड सबके प्रयास, उसी से बहुत कुछ होता है। पंजाब रे आप छोड़ो, कांग्रेस सातरु जाई पंजाब, सबु किछि पोछि नेछि छाड़ो। वर्तमान रो मुख्यमंत्री चर्नी अमरिंदर बड़ बड़ नेतांकु हराइबा को पड़िछि आसन। पंजाब रे आम आदमी पार्टी सरकार गढ़िबा को जाउछि। पंजाब रो परवर्ती मुख्यमंत्री एबे आप नेता भगवंत मान।
आपर बंपर विजय धराशायी कांग्रेस दल को मात्र 6 आसन मिली। नवजोत सिंह सिद्धू पूर्व अमृतसर आसन हारी पूर्वतन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को हार मुह देखा। आज का दिन पंजाब के भविष्य के लिए बहुत जरूरी दिन है। ऐसा भविष्य जिसमें आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, उनको अच्छा रोजगार मिले, वर्ल्ड क्लास सरकारी अस्पताल हों जिनमें आपके परिवार का मुफ्त इलाज हो, नशा खत्म हो, ऐसा भविष्य जिसमें पंजाब की 3 करोड़ जनता सुरक्षित महसूस करे। ये पूरे पंजाब के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं सभी मतदाताओं को, सारे वोटरों को, जो 18 साल तो ऊपर ने, मैं सबको यही अपील करूंगा, विनती करूंगा कि जो वोटर कार्ड है इसको किसी लालच में या किसी दबाव में आकर किसी को पकड़ाना नहीं है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हुई विधानसभा निर्वाचन में एक प्रकार मूलपोच हो जाई देशर सर्व पुरातन दल। ए पराजय को स्वीकार करथिबा दल एथिरु बहुत किछि सिखिछि बोली ट्वीट करी कहिछंती कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी की आशा के विपरीत रहे हैं। हमें उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में बेहतर परिणामों की अपेक्षा थी, लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि हम जनता का आशीर्वाद पाने में असफल रहे। उत्तर प्रदेश समेत गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड में मोट 7 पर्यायर हुई विधानसभा निर्वाचन या 2024 साधारण निर्वाचन विधानसभा फलाफल हो ट्रेलर। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।